हंटेड मिरर। एक बार की बात है, रौनकपुर नाम के शहर में रमेश अपनी पत्नी विमला और 5 साल की बेटी के साथ रहता था। रमेश शहर के बाजार में चूड़ियों का व्यापार करता था। वो कुछ ही महीनों पहले अपने परिवार के साथ इस शहर में आया था। वो तीनों बाजार से थोड़ी दूर एक पुराने मकान में रह रहे थे। एक शाम काम से घर वापस आकर रमेश विमला से चाय बनाने के लिए कहता है। विमला चाय बनाकर लाती है। अब रमेश चाय पीने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। विमला दरवाज़ा खोलती है तो सामने लगभग 80 साल की एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। आप कौन हो माँ जी, क्या चाहिए आपको? बेटा, मैं यहीं पास में रहती हूँ। दरअसल मैं तुम दोनों से मदद मांगने आई हूँ। विमला बुढ़िया की बात सुनकर रमेश की ओर देखती है। रमेश विमला को इशारा करता है कि वो बुढ़िया को अंदर ले आए। हाँ कहिए माँ जी, आपको हमसे क्या मदद चाहिए? बेटा, मैं कई दिनों से तुम दोनों को देख रही हूँ। तुम दोनों बहुत ही अच्छे और ईमानदार लगते हो, इसीलिए मैं तुम दोनों पर भरोसा करके यहाँ आई हूँ। मुझे किसी जरूरी काम से गाँव जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी कीमती चीज तुम दोनों के हवाले करना चाहती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया पुराने कंबल से लिपटा एक आईना निकालकर उन दोनों के सामने रख देती है। आईने के चारों तरफ सोने की फ्रेम लगी हुई थी। इतनी बड़ी सोने की फ्रेम देख दोनों पति पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये मेरे पुरखों का आईना है, कई दशकों से ये हमारे खानदान में है। अब मैं अपने खानदान की आखिरी वारिस बची हूँ। मुझे ये आईना बहुत प्रिय है। मुझे डर है कि मेरी गैर हाजिरी में कहीं कोई चोर मेरे घर में घुसकर इस आईने को चुरा ना ले, इसीलिए इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं तुम दोनों को देने आई हूँ। हम पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। आप ये आईना यहीं छोड़ जाइए, जब आप वापस आएंगी तो आपको आपका आईना सही सलामत मिल जाएगा। हाँ, मेरे पति बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम आपके आईने की अच्छी तरह हिफाजत करेंगे। लाइए, मुझे दीजिए, मैं इसी वक्त इसे अलमारी में रख देती हूँ। बुढ़िया दोनों को आईना देकर वहाँ से चली जाती है। बुढ़िया के जाते ही दोनों पति पत्नी आईने को बाहर निकाल कर उसे गौर से देखने लगते हैं। विमला, ये तो कमाल हो गया, आईने की फ्रेम 100% सोने की बनी है। इस समय इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ के ऊपर तो होगी ही। आईना तो बहुत कीमती है, लेकिन बुढ़िया तो बहुत ही गरीब लग रही थी। उसकी फटे पुराने कपड़े देखे थे आपने? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर वो चाहती तो इस आईने को बेचकर अमीर बन सकती थी, फिर भी वो इस कीमती आईने के रहते गरीबी में अपनी जिंदगी क्यों जी रही है? अरे, वो बुढ़िया तो मुझे पागल लगती है, जो अपने पुरखों के आईने को अपने आप से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? देखो, तुम तो जानती हो कि कई महीनों की मेहनत के बाद भी हमारा व्यापार नहीं चल रहा और लगातार हमें घाटा हो रहा है। क्यों ना हम इस आईने को लेकर यहाँ से भाग जाए। इसे बेचने पर हमारी जिंदगी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हाँ, पैसा आने के बाद हम अपनी बेटी की परवरिश भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलो चलो इस आईने को लेकर आज ही अपने गांव भाग जाते हैं। उसके बाद वे दोनों थोड़ा बहुत सामान और उस आईने को एक बैग में डालकर सीधा स्टेशन पहुंच जाते हैं और गांव जाने की टिकट लेकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक विमला की नजर दूर एक बेंच पर पड़ती है, जहां वही बुढ़िया बैठी उन लोगों को घूर रही होती है। उसे देखते ही विमला के होश उड़ जाते हैं। अरे रमेश, देखो वो बुढ़िया तो सामने वाली बेंच पर बैठी हमें घूर रही है। अरे बेवकूफ, वो तो कोई और है, लगता है तुम जरूरत से ज्यादा घबरा गई हो। शायद ठीक कहते हैं आप, मेरे दिल में ना अजीब सा डर बैठ गया है। बस जल्दी से गाड़ी आ जाए, उसके बाद हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। थोड़ी देर में ट्रेन आती है और वो तीनों ट्रेन में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। गांव पहुंचते ही जल्दी जल्दी से बैग से आईना बाहर निकालो, आईने से सोना निकाल कर मैं उसे आज ही बाजार में बेच दूंगा। अब जैसे ही विमला बैग खोलती है,
तो बैग में आईना ना पाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रमेश, ये क्या? बैग के अंदर आईना नहीं है। अरे, ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है, सामान के साथ साथ मैंने आईने को भी संभाल कर बैग के अंदर डाला था। हे भगवान, तुमने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लगता है तुम जल्दबाजी में आईना रखना ही भूल गई हो। तो अब क्या करेंगे हम? अरे करना क्या है, हमें कल ही दूसरी गाड़ी पकड़कर आईना लेने वापस उस घर में जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन की गाड़ी पकड़कर रमेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ वापस उसी घर में पहुंच जाता है। अब वो दोनों मिलकर पूरे घर में आईना ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें आईना कहीं नहीं मिलता। इस पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे की शक्ल देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या रमेश, आप तो किसी भूत की तरह डरावने दिख रहे हो। आपके चेहरे पर बड़े अजीब निशान उभर आए हैं और साथ ही आपके पूरे बाल पूरी तरह सफेद हो गए हैं। और तुम भी तो किसी डायन की तरह बहुत डरावनी दिख रही हो। वे दोनों अलमारी के आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया, हम दोनों तो बहुत ही भयानक बन गए हैं। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। विमला डरते डरते दरवाजा खोलती है तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा होता है। क्या हुआ मेम साहब, आपका वो आईना नहीं मिला ना? उस आदमी की बात सुन दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। कौन हो तुम और उस आईने के बारे में कैसे जानते हो? आप दोनों की भयानक शक्ल देखकर ही मैं सारी बात समझ गया हूँ। जरा अपनी बेटी को भी जाकर देख लो, उसका क्या हाल है। तभी विमला अपनी बेटी को आवाज देने लगती है और जैसे ही उनकी बेटी उनके पास आती है तो अपनी बेटी के सफेद बाल, डरावनी शक्ल, नुकीले दांत और उसकी डरावनी मुस्कान देखकर रमेश और उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं। मेरे और मेरे परिवार के साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। साहब, वो जो बुढ़िया आपको सोने की फ्रेम का आईना देकर गई थी, दरअसल वो आईना एक छलावा था। वो बुढ़िया तो 100 साल पहले ही मर चुकी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, कुछ दिनों पहले ही तो बुढ़िया हमसे मिलने आई थी, उसने हमें सोने की फ्रेम का आईना दिया, हमने खुद उसे देखा है। 100 साल पहले उस बुढ़िया ने एक दंपत्ति को अपने घर पर किराएदार रखा था। वो दोनों बहुत ही लालची और बेरहम थे। जब उन्हें पता चला कि बुढ़िया के पास सोने के फ्रेम से सजा एक आईना है तो उन दोनों ने बुढ़िया को जान से मार दिया और आईना लेकर फरार हो गए। बुढ़िया के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए कई सालों तक ये मकान खाली रहा। फिर एक आदमी ने इस मकान पर कब्जा करके इसे किराए पर देना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी यहाँ कोई रहने आता तो वो बुढ़िया इसी तरह उन्हें सोने के फ्रेम का आईना देकर चली जाती। सभी के सभी लोग लालच में आकर आईने को लेकर यहाँ से भाग जाते और उनका भी आप ही की तरह बुरा हाल हो जाया करता। पिछले 20 साल से यहाँ कोई रहने नहीं आया था, पता नहीं आप दोनों यहाँ कैसे आ गए। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन अब हम क्या करें, हमें ठीक करने का कोई उपाय तो बताओ। इसका कोई उपाय नहीं है साहब, आप तीनों को बुढ़िया का श्राप लग चुका है। अब आप तीनों को जिंदगी भर इसी डरावने रूप के साथ अपने लालच की सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर वो आदमी लंगड़ाते हुए वहां से चला जाता है।